नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्व डोंगी खास पेशकश सुपर 100। सुपर 100 के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डीके गुप्ता जी। डीके गुप्ता जी इस हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं। चलिए बात करते हैं डीके गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम इस एपिसोड में ये जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपनी इस हॉस्पिटल की शुरुआत की और किस किस तरह के चैलेंजेस आए। तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की। तो मैं जो है, मेरा जन्म जो हुआ है वो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ था। फादर मेरे 88 में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद 88 में मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था। जब नोएडा आया था तो मेरे पास एक ऊपर शर्ट टी शर्ट थी और एक हाफ पेंट थी, उसमें नोएडा आया था। और नोएडा के वो चकाचौंध मुझे आज भी याद है, जब गेट पर पहली बार मैं उतरा था। उसके बाद सारी जो स्ट्रगल था वो यहीं से स्टार्ट हो गया था। स्कूल में दाखिले लेने से लिए किसी ने दाखिला नहीं दिया स्कूल में, पहले गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में जब दाखिला नहीं मिला, एक छोटे से स्कूल गांधी स्मार्ट स्कूल है सेक्टर 22 में, वहाँ मेरा एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद 9th-10th में एक सरकारी स्कूल में, फिर 11th-12th में भवानी शंकर इंटर कॉलेज है, तो इन छोटे स्कूल में पढ़ाई की और यहाँ पर मैं टॉपर था। उसके बाद चूँकि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे तो उस समय मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। तो पार्ट टाइम पॉपकॉर्न भेजना, इंडिया गेट पे जाके भेजना, कुकर उस टाइम होता था, कुकर में पॉपकॉर्न भेजना, यहाँ के नोएडा की गलियों सड़कों में भेजना, संडे को पार्किंग में काम करना, भैरव मंदिर की पार्किंग में काम करना, इवन जो समर ब्रेक्स होते थे उसमें जो फैक्ट्रीज होती थी नोएडा में, उसमें जो बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कैप लगाना है, कुछ और काम करना, इवन अंडे भेजना, इस तरह के काम भी किए। तो बड़ा स्ट्रगल और चैलेंजिंग था, लेकिन उस समय एक पैशन था कि कुछ आगे बड़ा करना है, कुछ सपने देखता था चलते चलते उस टाइम काम करते हुए कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ इसीलिए आया हूँ दुनिया में। तो उस चैलेंजेस के साथ पर मैंने यहाँ पर 12th किया। 12th के बाद मैंने CPMD का एग्जाम दिया। CPMD में भी उस समय बड़ी घोटाले हुआ करते थे, बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। CPMD जो कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, तो उसमें मेरे साथ घोटाला हो गया, मेरी सीट बेच दी गई। और सीट बेची तो वहाँ पर जो सरवर सिंह कटियार साहब थे, वाइस चांसलर साहब थे, वो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, वो वाइस चांसलर थे कानपुर यूनिवर्सिटी के, उनसे मैंने मुलाकात की और मुलाकात करना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद मिलने का उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि मैं सामने आया होगा। तो मिलने गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, रिजल्ट वगैरह आउट हो चुका है और बिकॉज अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। तब मैंने उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनको अप्रोच किया कि जो चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय था मुख्यमंत्री जी के पास था, उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत हो रही थी, तो उनसे मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन से मिला। बार बार ट्रांसफर होते थे, अपना पक्ष रखना पड़ता था, तो साल भर के स्ट्रगल से फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में कंटेम कराने की कोशिश करी। फाइनली मुझे एक साल लखनऊ, कानपुर और शाहजहांपुर फरुखाबाद धक्के खा खा के फिर एक सीट क्रिएट कराई गई मेरठ में, और फिर मुझे MBBS में दाखिला मिला। तो वो भी बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए कि दाखिला लेना, क्योंकि मेरी सीट में नाम था, फिर उन लोगों ने मुझे सीट से बाहर गए, मेरी सीट किसी और को भेज दी गई थी। उसका मेडिकल में बिकॉज मेरे लिए बड़ी मेहनत से मिला था, मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था वो मेरे लिए, तो मैं मेडिकल में भी टॉपर था अपने कॉलेज में। उसका MBBS करने के बाद मैंने MD किया चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में, वहीं से मेडिकल कॉलेज मेरठ से, वहाँ भी गोल्ड मेडल था। और उसके बाद फिर बिकॉज पैसे नहीं होते तो फिर तो जिस दिन मेडिकल कॉलेज में मेरा MD का दाखिला का उसका MD का रिजल्ट निकला, MD पास होने का, तो 3 दिन बाद मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। 7-8 साल तक दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने MCD के अंदर नौकरी करी। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा नर्सिंग होम खोला, मेरी और मेरी वाइफ डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने एक छोटा क्लिनिक और नर्सिंग होम खोला नोएडा में सेक्टर 22 में। सडनली उस समय भी फिर दोबारा सर मुड़ाते ओले पड़ने वाली कहावत थी कि खोलने के 3 महीने के अंदर ही सडनली एक नया ऑर्डर आ गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जितने रेजिडेंसी ले रहे हैं नर्सिंग होम सबको बंद कर दिया जाए और बैंक को बंद कर दिया जाए। विद इन 3 महीने अपना साल बंद करना पड़ा, और बंद करने के बाद ही बिकॉज वो भी हमने 15 लाख रुपये लोन लेके चालू किया था तो बैंक की किस्त चालू हो गई थी, तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय भी हार नहीं मानी हमने, माना कि इसमें भी कुछ हमारे लिए सर अच्छा ही लिखा हुआ है, हर प्रॉब्लम के नीचे कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, उसको मानते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देखते हुए एक ऑर्डर दिया कि डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने कि अपना नर्सिंग होम बंद कर दिया तो एक स्कीम लाई जाए। उस स्कीम के तहत, स्पेशल स्कीम के तहत नोएडा में प्लॉट्स निकले हॉस्पिटल्स के लिए, और उस प्लॉट्स में हमें एक प्लॉट मिला। तब भी 0 पैसे थे हमारे पास, कुछ नहीं थे, और डॉक्टर था, डॉक्टर को नॉलेज नहीं थी फाइनेंसिंग फंडिंग की। हम लोगों ने खुद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, खुद ही यहाँ के सर्वे किए, खुद ही सारे स्टेटरी कंप्लाइंसेस के लिए अप्लाई किया, सारा कंस्ट्रक्शन प्लान किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, और फिर बैंक से नेगोशिएट किया, बैंक से मिले, फ्रेंड्स और रिलेटिव से फंडिंग कराई। तो फाइनली हॉस्पिटल हमने 2015 में चालू करा, और 2015 के बाद हॉस्पिटल चल रहा है। इस टाइम नोएडा दिल्ली में बना तो फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल का नाम है फेलिक्स,
तो फ्लेक्स के पीछे क्या क्रोनोलॉजी है या क्या इसकी आपकी पीछे मतलब क्या कारण था कि आपने ये नाम रखा? जी, तो फ्लेक्स जब हम लोग क्लिनिक चला रहे थे वहां पे, क्लिनिक बाद एक सडनली ध्यान आया कि नर्सिंग होम खोलते हैं, नर्सिंग होम क्या नाम रखे हैं, उस टाइम वो हमारे लिए चले देता है। बहुत सारे नाम सर्च कर रहे थे, उसमें फ्लेक्स नाम मिला। फ्लेक्स का नाम का मीनिंग बहुत अच्छा है, एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग है लक, सक्सेस इन प्रॉस्पेरिटी। और मानोगे नहीं, जिस दिन से हमने इसका नाम रखा उस समय मेरे पास जीरो पैसे थे, मतलब एक रुपया नहीं था, किराए के 2 BHK घर में रहते थे, उसी में क्लिनिक था। और वहां से शुरुआत हुई, वहां से आज फ्लेक्स एक ब्रांड नेम बन चुका है, दिल्ली NCR का इंडिया में ब्रांड नेम बन चुका है। तो ये फ्लेक्स की कहानी है। अच्छा, फ्लेक्स आपने हॉस्पिटल शुरू किया और एक स्ट्रगल करके आप इस मुकाम तक पहुंचे। इसमें आपका जो अभी जैसे बताया कि डॉक्टर रश्मि जी आपके साथ रही, तो कैसे उनसे मतलब आपका उनका कब मतलब आपने शादी की उनसे या किस तरह से आपकी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो हम लोग पहले से जानते थे, हम लोग MBBS से पहले से कोचिंग से जानते थे। रश्मि जी का सिलेक्शन हो गया था, वो चली गई थी आगरा, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बाद में मार्कशीट आई, पता लगा मेरे मार्क्स उनसे भी ज्यादा थे। तो ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि मेरे मार्क उनसे ज्यादा, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे पता लगा कि यहाँ कुछ घोटाला हो गया। तो उसी इन्फ्लुएंस की वजह से एक दिमाग में था कि इंस्पायरिंग था कि भाई मुझे भी MBBS करना है। और शायद रश्मि गुप्ता संभव उस टाइम एक मेरे लिए इंस्पिरेशन था, या मेरे लिए वो था कि मुझे अगर रश्मि गुप्ता से मिलना है तो मुझे भी MBBS करना पड़ेगा। तो तभी इसी वजह से मैंने फिर दुनिया से लड़ाई लड़ी, शासन से लड़ाई लड़ी, अपनी सीट क्रिएट कराई। उसके बाद हम लोग मिलते रहे, मैंने MBBS किया मेरठ से, उन्होंने आगरा से किया। मिलने के बाद दोनों ने जब PG कर ली, उसके बाद मिल लिए, और मिलने का था इतने पैसे नहीं थे दोनों के पास कि हम शादी कर सकें, तो दोनों ने डबल डबल जॉब की, नौकरी करी, पैसा इकट्ठा किया। और उसके 2-3 महीने 4 महीने हमने काम करने के बाद थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, उस पर नोएडा में हमने 2007 में मैरिज करी। और हमारा अब एक बेटा भी है, प्रखर नाम है उसका, 4.5 साल का है। अरे डॉक्टर साहब, आपका जो जॉब है वो बड़ा क्रूशियल होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेशन का होता है, और 24 घंटे का जॉब माना जाता है इसको, क्योंकि मरीज कभी भी आ सकता है। तो अपनी पर्सनल लाइफ को और ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को किस तरह समझ से बढ़ाते हैं आप? तो बिल्कुल, कहते हैं डॉक्टर्स की जॉब जो थी बहुत टफ होती है, 24/7 ऑन कॉल होते हैं, अस्पताल में कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो फ्रीलांसिंग करके, जहाँ भी डिलीवरी होती थी वहाँ जाना पड़ता है रात के 12 बजे, क्योंकि हम लोग पीडिटिशियन है तो डिलीवरी में जाना पड़ता है, घंटे भी डिलीवरी करती हैं, तो डिलीवरी रात में भी हो सकती है, दिन में हो सकती है। तो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाते थे, धक्के खाते थे, तो वहीं से स्टार्ट किया। अभी भी रात में भी कोई समय नहीं होता, अस्पताल में हमारी जरूरत पड़ती है, अगर रात में जाना पड़ता है, दिन में जाना पड़ता है। हाँ, बैलेंस यही है कि घर वाले भी समझते हैं कि भाई इन लोगों का जो प्रायोरिटी है वो हाई है, इन लोगों की प्रायोरिटी समाज के प्रति ज्यादा है, मरीजों के प्रति ज्यादा है, तो उन सब का ध्यान रख के हम लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, 1-2 महीने में कभी कभी 1-2 दिन का ब्रेक लेके। अदरवाइज हमारा कोई संडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता हम लोग। और अब आदत पड़ गई, जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन जरूर अजीब सा लगता है, बट जिस दिन काम होता है उस दिन वी एंजॉय दैट। यदि नोएडा की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और आप एक नया ब्रांड है आपका, तो किस तरह की समस्या या किस तरह का कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि नोएडा में आपको सबको पता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, फोर्टिस हो, अपोलो हो, JP हो, मैक्स हो, ऐसे ग्लास हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े ब्रांड हॉस्पिटल ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं। तो यहाँ पे अपने आपको एस्टेब्लिश करना एक बड़ा बड़ा चैलेंज था। हम लोग की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, जो हम लोग की क्वालिटी ऑफ केयर थी, जो हमारे एक्रेडिटेशन थे, वो अपने लगते हैं। अगर आप देखें इस समय तो नोएडा का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल है, ना नोएडा का नहीं, इवन वन ऑफ द इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल है। हमारा EBITDA 26% है, पिछले 5 साल में क्यूमुलेटिव जो ग्रोथ रेट है हमारा, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जिसको CAGR बोलते हैं, वो 115% है, इंडस्ट्री का 24% है, मतलब हम लोग इंडस्ट्री से 4-5 गुना स्पीड पर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें थी, जो कुछ चीजें थी तो हमने पेशेंट केयर बहुत ध्यान में रखा, पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत ध्यान में रखा, पेशेंट की सेफ्टी पे बहुत फोकस करा। इसीलिए हम लोगों ने अस्पताल चलाने के अंदर 9 महीने के अंदर ही NABH ले लिया। NABH एक ऐसी संस्था है जो क्वालिटी और सेफ्टी के लिए क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक्रेडिटेशन करती है, सर्टिफाई करती है कि हॉस्पिटल की सर्विसेज जो है एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, सेफ्टी और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हमने NABH को 9 महीने के अंदर ले लिया, जो नॉर्मली अस्पताल जो है 5-5 साल लगा देते हैं, जितने बड़े ब्रांड के नाम ले रहता है इन सबको 5-5, 7-7 साल लग गए उस NABH को लेने में। तो हमारा NABH एक्रेडिटेशन हमने बहुत जल्दी कराया, NABL बड़े जल्दी कराया, जो लैब के लिए एक्रेडिटेशन होता है सेम करेगा। इसके अलावा इतने इम्पैनलमेंट थे, चाहे CGHS हो, ECHS हो, ESI हो, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, TPA है, जिप्साज है, उन सबको हमने बड़े अच्छे से जल्दी से इम्पैनल किया, जिससे पेशेंट कोई वापस ना जा सके।
पेशेंट के एक्सपीरियंस पे बहुत ध्यान दिया कि अगर पेशेंट आता है तो गेट से लेके पार्किंग स्पेस से लेके हमारा गार्ड को लेके अंदर का एसी से लेके अंदर की हाइजीन कैसा है, अंदर के स्टाफ की सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, पेशेंट का बिहेवियर, हॉस्पिटल का स्टाफ का बिहेवियर पेशेंट के साथ कैसा है, डॉक्टर कितना टाइम लेते हैं, तो इन सब चीज का फॉलोअप कैसे है। हमारे अगर आप रिव्यू देखेंगे तो हमारे रिव्यू नोएडा में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल का रिव्यू, हमारे सारे प्लेटफॉर्म चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, या जस्ट डायल हो, प्रैक्टो हो, जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म है जिन पे सोशल मीडिया पर रिव्यू देते हैं पेशेंट फेसबुक पे, उन सब पे 4+ के रिव्यू है, 4 से लेकर 4.5 के बीच में है, जो नोएडा का है किसी भी हॉस्पिटल के नहीं है इतने अच्छे रिव्यू, और नंबर ऑफ रिव्यू भी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमने सबसे ज्यादा फोकस किया वो पेशेंट एक्सपीरियंस क्वालिटी ऑफ केयर पे, सो दैट कि पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिले और उसका एक्सपीरियंस जो दूसरी सपोर्ट सर्विसेज है उनमें भी अच्छा हो। तो इससे हमारी एक ब्रांड के लिए हमने एक यूएसपी क्रिएट करने की कोशिश करी और शायद हम उसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई, लेकिन इसके बाद भी अगर यदि आपसे कहा जाए कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ टू अदर हेल्थ केयर सेंटर, तो हमारी यूएसपी यही है कि आजकल नोएडा और दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इक्विपमेंट देखें, लगभग सब हॉस्पिटल्स में सेम है। ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सबके पास बड़ी बड़ी मशीन है, सबके पास बड़े बड़े डॉक्टर भी लगभग हम लोग सफल करते हैं, बट कोई भी पेशेंट एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करता, पेशेंट की सेफ्टी पे फोकस बहुत लोग कम करते हैं। आप देखते हैं कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर पे बहुत कम फोकस करते हैं, अफोर्डेबिलिटी पे लोग फोकस कम करते हैं कि रेट बहुत हाई है और क्वालिटी ऑफ केयर। तो हमने कोशिश करी कि बुटीक हॉस्पिटल में 4-स्टार हॉस्पिटल में कैसे 7-स्टार हॉस्पिटल या 5-स्टार हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस दिया जाए, और सबसे बड़ा जो हमारा फोकस था मेन पेशेंट पे वो था पेशेंट की सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर और पेशेंट एक्सपीरियंस। इन तीन बातों को ध्यान रखा तो हमने अपना को डिफरेंशिएट किया जो मिड साइज हॉस्पिटल्स हैं उनसे और कॉर्पोरेट साइज हॉस्पिटल से, कि हमारे यहाँ जो सर्विसेज हैं वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसी हैं और जो हमारे यहाँ रेट्स हैं वो है मिड साइज हॉस्पिटल के। तो ये बात हमारी यूएसपी थी। अच्छा, जैसे नोएडा की बात करें तो यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल को बनाने से लेके कंसीव से लेके कॉन्सेप्ट को और चलाने तक का किस तरह के चैलेंजेस सामना करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो किसी भी हॉस्पिटल को बनाने में, बिकॉज एक कैपेक्स इसमें बड़ा हाई होता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंड अलॉटमेंट। एक अच्छी लैंड मिलना बड़ा मुश्किल काम है, लैंड के रेट्स बड़े हाई होते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट कोस्ट की बात करें तो 20 से लेकर 30% तक प्रोजेक्ट कोस्ट का लैंड कोस्ट करती है इन बड़े शहरों में, लैंड अलॉटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिर स्ट्रक्चरल कंप्लायंसेस बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लैंड अप्रूव कराना, नक्शा अप्रूव करना, खुदाई के लिए परमिशन लेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी परमिशन लेना, फायर अथॉरिटी लेना, अलावा और लगभग 26 ऐसे स्ट्रक्चरल कंप्लायंसेस हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। प्लस फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्रेडिटेशन और इंपैनलमेंट में 2 से 3 साल एवरेज मिनिमम लगते हैं और लोगों को 5-5 साल भी लगने होता है, हम लोगों ने वो टाइम कम करके 1 साल कर दिया था। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेज है कि बहुत सारे स्टेचुरी कंप्लायंसेस का मिलना, आपको इंपैनलमेंट करवाना, आपको एक्रेडिटेशन करवाना, फिर उसका अस्पताल को ब्रेक इवन में लाना, हायरिंग बहुत ही ह्यूमन अगर पावर रिसोर्स की बात करें तो स्टाफ की बड़ी प्रॉब्लम है, स्टाफ के रिटेंशन की, स्टाफ अट्रिशन रेट बहुत हाई है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ केयर डॉक्टर्स की बहुत प्रॉब्लम है। तो इस तरह या जो हम लोग काम करते हैं इंश्योरेंस के लिए काम करते हैं, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस के पैसे हैं वो बहुत लेट आते हैं, तो हमारा डेटा लेवल बहुत हाई होता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेज हैं, बट स्टिल अगर आप ध्यान से सिस्टम और प्रोसेस से काम करते हैं तो ये चैलेंजेज भी आप पार कर सकते हैं। यदि कोई नया प्लेयर इस फील्ड में आना चाहे तो नोएडा के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं अभी उस फील्ड के अंदर, सेकेंडली इस इंडस्ट्री को और अच्छी ग्रोथ मिले तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये चीजें और जो जाए तो ये इंडस्ट्री और अच्छी बढ़ती है। तो अगर किसी को नया हॉस्पिटल खोलना, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी तो बड़ा इसमें हाई रिस्क है, बिकॉज गवर्नमेंट ने रेट्स पिछले 6 साल से नहीं बढ़ाए, सी जी एस रेट्स, इंश्योरेंस कंपनी और ज्यादा नेगोशिएट कर रही है, रिजेक्शन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रेट नेगोशिएशन बहुत ज्यादा है, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई हो गई है। तो कोई भी अगर हॉस्पिटल खोलते हैं तो उससे पहले आप टेक्नो इकोनॉमिकल वाइबल स्टडीज होती है, टीवी जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से करना चाहिए, जिसको फिजिबिलिटी स्टडीज बोलते हैं, आपको देखना चाहिए, शॉर्ट एनालिसिस करनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारे देखने के बाद ही प्लान करना चाहिए। अगर लोकेशन बहुत अच्छी है, कैचमेंट एरिया बहुत अच्छा है, आपका फंड फ्लो बहुत अच्छा है, कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं है, तभी जाकर प्लान करना चाहिए। और हम बात करें फ्यूचर हेल्थ का बहुत अच्छा है, आई थिंक गवर्नमेंट को अब तो कोविड के बाद बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट अभी भी जीडीपी का लगभग 1% ही खर्च करती है हेल्थ केयर पे, ये जो डेवलप्ड कंट्री है वो 10 से लेकर 15% तक खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय गवर्नमेंट को हेल्थ केयर में सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। और हमें सबको पता है इंडिया में जो 75% बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ही हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा तो थ्रू प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप सडनली पूरी
इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सके, तो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज लैंड देनी चाहिए, जितने भी हमारे जो लाइसेंसेस हैं उनको सिंगल विंडो करना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कम होना चाहिए, लोन आसानी से मिलना चाहिए, तो ये सब चीजें को ध्यान रखेंगे तो शायद इस फील्ड में भी हेल्थ केयर में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जबकि अच्छी बात है कि हमारे पास में जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, जेवर आने से मेडिकल टूरिज्म को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वीजा पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखें तो हेल्थ केयर में बहुत अच्छा स्कोप है। अभी आपने मेडिकल टूरिज्म की बात की, तो थोड़ा सा मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताएं। एक टाइम पहले बहुत उसका हो बोला था, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिज्म के ऊपर फोकस नहीं है शायद गवर्नमेंट का, तो किस उसमें कहां पर है भी ये और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? तो ग्लोबली लगभग $50 बिलियन का मेडिकल टूरिज्म होता है। इंडिया में लगभग हमने लास्ट जो 2019 में काम किया है वो लगभग $8 बिलियन का काम किया है, तो लगभग 20% हम लोग जो है इंडिया में ग्लोबली जो मेडिकल टूरिज्म है वो करते हैं। बट अभी भी इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि एक्रेडिटेशन के नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम है, जेसीआर हॉस्पिटल्स कम है, एनएएच हॉस्पिटल्स कम है, क्वालिटी ऑफ केयर बहुत अच्छी नहीं है, हमारे रेट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रेट्स 1/10 हैं जो दूसरी जगह के हैं, हमारे साथ जो कंपटीशन है मलेशिया और थाईलैंड का, जहाँ पे रेट्स बहुत अच्छे भी हैं और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ केयर बहुत अच्छी है, तो गवर्नमेंट वीजा पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऑन अराइवल वीजा पॉलिसी स्टार्ट करी, बट अभी भी बहुत सारे पोर्टल्स की बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है मेडिकल टूरिज्म में, सो दैट इस बिजनेस को बढ़ाया जा सके, खासकर पोस्ट कोविड एरा में, बिकॉज बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने इम्यूनिटी पासपोर्ट इशू करना शुरू कर दिया, बिना टेस्ट के आप नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, तो मुझे लगता है पिछले साल में सबसे ज्यादा बड़ी इम्पैक्ट मेडिकल टूरिज्म पड़ी है और एविएशन इंडस्ट्री से पड़ी है, और मेडिकल टूरिज्म खाली मेडिकल टूरिज्म के लिए नहीं, दूसरी सपोर्ट इंडस्ट्री उसके साथ बहुत सारी इफेक्ट होती है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री है, तो सारे आपस में लिंक है, तो गवर्नमेंट अगर मेडिकल टूरिज्म को सपोर्ट करेगी तो इन सब इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। ये तो अभी प्रोफेशनल बात है, कुछ हम लोग आपसे कुछ पर्सनल सवाल भी जानना चाहते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो होते हैं उनकी लाइफ बड़ी बिजी होती है या बड़ी मतलब व्यस्त होती है, तो इस बीच में जो अपने शौक होते हैं उनको किस तरह से आप टाइम निकाल पाते? तो हमारे शौक तो एंटरप्रेनर कोई शौक नहीं होता, उनका शौक एंटरप्रेनरशिप ही होता है, एंटरप्रेनर पैशन होता है, कोई हॉबी नहीं है, मतलब हॉबी है, मतलब घूमना अच्छा लगता है, 3-4 महीने हम लोग घूमने निकल जाते थे, पर पिछले कोविड में 1 साल में ऐसा हो गया घूमना बंद हो गया, बट ये है कि हाँ कि टीवी भी देखना बंद हो गया, तो टीवी में न्यूज वगैरह पढ़ना थोड़ा बहुत है, ठीक है, और बस अब तो ये पैशन है कि इसी के अंदर काम करना, इसी को एक्सपेंड करना है, फिलिप की चैन बनानी, नंबर ऑफ हॉस्पिटल क्रिएट करने, जल्दी ब्रेक इवन लाना, सिस्टम प्रोसेस इंप्रूव करना, ये सब पैशन हो गया। कुछ कोई ऐसी 3 चीजें बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और जिन्होंने आपकी सफलता में बहुत ज्यादा योगदान दिया हो। तो मुझे लगता है अगर किसी को सफलता चाहिए तो कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए, कमिटमेंट लेवल सेल्फ का और उसकी टीम का, अगर दोनों बहुत हाई कमिटमेंट लेवल है, मतलब वॉट एवर इट टेक्स, अगर किसी काम करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम उस हद तक तैयार हैं, तो वो सफलता आपको जरूर मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी सेकेंड लाइन ऑफ टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, और उससे बड़ी अगर और रूट कॉज में जाए तो आपका वाई कितना बड़ा है, आपका जो करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, अपने समाज का निकल चाहते हो, अपने देश के लिए करना चाहते हो, तो जितना बड़ा वाई होगा उतने बड़ा आप सफल हो सकते हो। तो अगर छोटा वाई है कि मैं अपने लिए संकुचित हूँ कि मुझे अपने लिए पैसा कमाना है, तो एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन सकता। अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, अपने जो कैचमेंट के जो फैमिली है उनकी सेवा करनी, मरीजों की सेवा करनी है, तो और बड़े हॉस्पिटल बन सकते हैं। अगर मैं देश की बात करता हूँ तो मैं चेन हॉस्पिटल बना सकता हूँ, अगर मैं ग्लोबली बात करता हूँ तो ग्लोबल चेन बन सकती है, तो जितने बड़े और जितना लोगों के बारे में सोचोगे, दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना बड़ा इंसान बन सकते हो अगर दूसरों के लिए काम करते हो। अच्छा, कोई ऐसी 3 चीजें बताइए जिनसे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो और आप कहीं ना कहीं उनसे भी पीड़ित भी हो? अच्छा, तो नफरत, मैं एक तो झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं, ठीक है, अगर कोई किसी का बंदा झूठ बोलता है मुझे आई डोंट लाइक दैट। तीसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे पसंद नहीं, मतलब कोई चीज मैं कोई काम लेट नहीं करता, मुझे जो काम करना है तुरंत करना है, आई डोंट वांट टू, मतलब उसको कुछ लोग एक्शन मैन होना चाहिए, अगर आपको रिजल्ट होता है खराब है अच्छे, बट यू शुड नॉट वेट, तो एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, और तीसरा आई थिंक पंक्चुअलिटी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी को टाइम दिया शुड बी ऑन टाइम, टाइम की वैल्यू करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमने अपने आपसे काफी सवाल पूछे हैं, अगर कुछ इसके अलावा भी कुछ और बताना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को तो आप बता सकते हैं इसमें। तो मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों, कोविड के दौरान आप सबने बड़ा सपोर्ट किया, हम लोग सब लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, और आगे भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर्स पर भरोसा करें, अपने जो फैमिली फिजिशियन उस पर भरोसा करें, मेडिकल टीम पर भरोसा करें, बिकॉज हम सब आपके लिए ही हैं,
हमारा दाल रोटी, हमारा हमारा सम्मान, हमारा रिस्पेक्ट, वो सब आपकी वजह से है। अगर हम आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, आपको क्वालिटी ऑफ केयर देंगे, तो हमारी उससे वैल्यू बढ़ेगी, हमें उससे सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। तो कृपया करें, अपने डॉक्टर से भरोसा करें और उनकी बात माने और हेल्थ में फोकस करें, प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस करें। जरूरत ना पड़े आपको अस्पताल आने की, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, योगा करें, फिटनेस पे ध्यान दें, तो इम्यूनिटी बढ़ाने की सारी चीजें करें, चाहे खाने में चाहे फिटनेस में। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद हमारा जो भारत है वो अच्छा भारत होगा। और शायद हमने देखा भी, हम बाकी जगह से बहुत अच्छे से पेंडेमिक से लड़ने में कामयाब है, बिकॉज हम लोगों की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी थी। इसीलिए करो, आगे भी अगर ऐसा कोई इम्यूनिटी, ऐसा कोई पेंडेमिक आया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, तो हम सबको तैयार रहना चाहिए। हेल्थ वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ हम कहते हैं, तो हेल्थ पे बहुत फोकस करना सबको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें अपना वक्त दिया, और उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, और आगे से फिर दोबारा किसी मुद्दे को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक लिए नमस्कार।